नमस्कार, आपकी छुट्टी आ गई। आपको हंसाने के लिए, आपको गुदगुदाने के लिए, आपका मनोरंजन करने के लिए। माय गॉड, क्या आप लोग तैयार है हंसने के लिए? ओके, आप लोग तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ और हमारा प्यारा कैमरामैन भी तैयार है। तो किस बात की देर, शुरू करते हैं हंसी का सफर, वो भी बिना टिकट। माय गॉड, वो भी एक प्यारे से सुविचार के साथ। आज का सुविचार ये है, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का अंदाज होना चाहिए। वाओ, बड़ा प्यारा सुविचार। यू नो फ्रेंड्स, एक चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी। वाओ, चूहे को बिल्ली लगी गोरी गोरी। ओके, कंटिन्यू कर रही हूँ। एक चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, दोनों लगे मिलने चोरी चोरी। वाओ, चूहा बोला आओ तुम और हम के ले आँख में चोली। बिल्ली चूहे को खाकर डकार मारकर बोली, बेबी सॉरी, आई हेट लव स्टोरी। यू नो फ्रेंड्स, स्कूल की लाइफ बड़ी प्यारी होती है। हमारे कितने सारे फ्रेंड्स हुआ करते थे, रिंकू पिंकू टिंकू, माय गॉड। और वो रिसेस में एक दूसरे का टिफिन खाना, वाओ। कभी कोई पराठा लाता था तो कभी कोई ब्रेड और जैम। और हमारे इतने सारे सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए यू नो अलग अलग टीचर, इंग्लिश के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग, मराठी के लिए अलग। तो स्कूल से मुझे याद आया, यू नो एक दिन सारी फिजिक्स को यू नो मोटू ने हिला दिया। मोटू मेरा छोटा सा दोस्त है। तो क्या हुआ, क्लास में यू नो फिजिक्स के टीचर ने मोटू से एक सवाल पूछा और कहा, मोटू मोटू मुझे बताओ, कौन सा लिक्विड और सॉलिड मिक्स करके गैस बनती है? ये सुनकर मोटू हंसकर बोला, टीचर 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 टीचर, वेरी सिंपल, राजमा और चावल। यू नो फ्रेंड्स, कुछ लोगों का ये मानना है सच्चा भारतीय वो है जो फ्री की चीजों को कभी ना छोड़े। वाओ, दूसरा जो घर में पेंट करवाने के बाद पेंट की बाल्टी, वाओ, यानी पेंट वाली बाल्टी को कम से कम 5 से 6 साल इस्तेमाल करे। वाओ, तीसरा जो टीवी रिमोट के सेल खत्म होने के बावजूद रिमोट को पीटता रहे। वाओ, चौथा जो मिठाई की दुकान पे टेस्ट करने के लिए मिठाई यू नो जरूर मांगे, अरे भाई साहब जरा टेस्ट तो करवाओ, फ्रेश है कि नहीं जरा चेक करना है। माय गॉड। पांचवा जो पुराने कैलेंडर के पन्नों को यू नो बच्चों के कॉपियों का कवर बना के इस्तेमाल करे। माय गॉड, व्हाट अ यूज। ओके, पांचवा जो मोबाइल बैलेंस में वाओ कंपनी द्वारा 5 रुपए कट जाने पर यू नो कंपनी के टोल फ्री कस्टमर केयर पे यू नो कस्टमर केयर वाले को ही गाली देना, उसे ही असली भारतीय कहते हैं। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? यू नो फ्रेंड्स, कुछ लड़कियों का ये मानना है लड़कियां दो तरह की होती हैं। पहली वो जो मायूस हो जाती है, जो माँ कहती है जब ससुराल जाएगी तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। दूसरी वो जो पलट के जवाब देती है, किसका दिमाग, मेरा या मेरे ससुराल वाले का। कुछ लड़कियों का ये मानना है कि लड़कियां दो तरह की होती हैं। पहली वो जो मायूस हो जाती है, जब माँ कहती है जब ससुराल जाएगी तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। दूसरी वो जो पलट के जवाब देती है, किसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, मेरा या ससुराल वालों का। वाओ, व्हाट अ गर्ल।
यू नो फ्रेंड्स, एक दिन एक पत्नी ने अपने पति से बोली, देखो जी मैं इसे पिछले 8 साल से लगातार पहन रही हूँ, फिर भी इसकी फिटिंग वैसी की वैसी है, और तुम मुझे मोटी कहते रहते हो, क्या मैं मोटी हूँ? ये सुनकर पति हंसकर बोला, भाग्यवान भगवान से डरो, ये साड़ी है साड़ी। यू नो फ्रेंड्स, एक बार एक बुढ़िया यू नो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से कहने लगी, डॉक्टर साहब मेरे दांतों में बहुत दर्द है, डॉक्टर साहब प्लीज ये दांत निकाल दो। डॉक्टर बोला, ओके आप प्लीज चेयर पर बैठ जाइए और प्लीज अपना जरा मुंह खोलिए। बुढ़िया ने वैसे ही किया, बुढ़िया ने अपना मुंह खोला। डॉक्टर बोला, माँ जी थोड़ा और। बुढ़िया ने वैसे ही किया। उसके बाद डॉक्टर फिर बोला, माँ जी थोड़ा और मुंह खोलिए। बुढ़िया को बड़ा गुस्सा आ गया और गुस्से के मारे यू नो बुढ़िया ने डॉक्टर से कहा, अरे अरे बेटा कितना मुंह खोलूं कि अंदर बैठ के दांत निकाल लेगा। मुझे पता है फ्रेंड्स, आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोग यही सोच रहे हो ना कि मैं क्या सोच रही हूँ। यू नो सेम टाइम हो रहा है, घर जाना है, शाम होने वाली है और मेरी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। लेकिन आपको तो पता ही है, जब भी मैं जाती हूँ तब अपना ज्ञान आपसे जरूर शेयर करती हूँ। तो आज का ज्ञान ये है, इस संसार में प्यार करने लायक दो ही वस्तु है, एक दुख और दूसरा श्रम। दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता और श्रम के बिना मनुष्य का विकास नहीं होता। इसलिए खूब मेहनत करो, डेफिनेटली आपको यू नो मेहनत का फल जरूर मिलेगा, भले देरी से ही मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। ओके, और क्या कहना था, हाँ सतर्क रहिए, सावधान रहिए, हंसते रहिए, खुद भी हंसिए, दूसरों को भी हंसाइए, छोटे बड़ों का ख्याल रखिए, कचरा यहाँ वहाँ ना फेंके, डस्टबिन का इस्तेमाल करें, और जब भी आप यू नो रास्ते से जा रहे हो तो प्लीज सिग्नल जरूर देखिए, सिग्नल देखकर ही रास्ता क्रॉस करें। अगर आप गाड़ी चला रहे हो यानी कार, तो सीट बेल्ट जरूर पहने, और हाँ गाड़ी चलाते वक्त कृपया फोन पर बात ना करें। कुछ लोग ऐसा करते हैं, फोन यहाँ रखते हैं, हाँ बोलो आ रहा हूँ मैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप भी अजय देवगन बन जाओगे कुछ इस तरह से। और हाँ क्या कहना था, हाँ जब भी आप रास्ते से जाओ, अगर पीछे से एम्बुलेंस आ रही हो तो पहले एम्बुलेंस को जाने के लिए जगह दीजिएगा, ठीक है। और हाँ टू व्हीलर के लिए बिना हेलमेट पहने गाड़ियां ना चलाएं, मेरा मतलब है बाइक। ओके, ट्रिपल सीट ना जाए, ओके वरना लोग आपको 3 इडियट्स कहेंगे, माय गॉड। ओके, और क्या कहना था, हाँ और देखते रहिए आपका अपना चैनल एक ही तो है, जी हाँ नवी मुंबई आवाज, अपनी आवाज, बाय।